नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की किस प्रमुख खबरों पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के यूपी से जाने के बाद प्रदेश भर होगा गंगा जल का छिड़काव, आचार्य परमहंस ने किया ऐलान। सिद्धू को सीएम फेस नहीं बनाने पर छलका, पत्नी नवजोत कौर का दर्द बोली, गलत जानकारी पर चले गए राहुल गांधी। आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, सड़क पर लौटते हुए एक अभ्यर्थी पहुंचा आरपीएससी भवन। वैलेंटाइन वीक में सिंगर पैपॉन के दो रोमांटिक गाने छोटी छोटी गलतियां और रोड़े रोडाले सा हुए रिलीज। प्रदेश में नए खनिज नियमों को मिली मंजूरी, अवैध उत्खनन पर देना होगा 15 गुना रॉयल्टी, शिवराज कैबिनेट का फैसला। छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर करेंगे यूपी का विकास, प्रियंका गांधी ने की घोषणा। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, उन्नति विधान किया जारी, 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा। दिल्ली में 12 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। कोरोना के खिलाफ मिला नया हथियार, देश का पहला नेजल स्प्रे हुआ लॉन्च। एम्स दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी से पहले अब नहीं करानी होगी कोरोना जांच। लता मंगेशकर की तस्वीर संसद भवन में लगाने की मांग, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में दिया नोटिस। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर दिया बड़ा बयान, प्रदेश भर में जल्द खुलेंगे स्कूल। पेंड्रा में नकली कैस्ट्रॉल ऑयल बेचते हुए जीपीएम पुलिस ने 2 दुकानदारों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने की नक्सलियों की साजिश को नाकाम, 5 किलो का आईईडी बम बरामद। अभिनेत्री रवीना टंडन ने पूरी की केजीएफ चैप्टर 2 की डबिंग, फिल्म का फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन होगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, आदेश जारी। सोनू सूद ने घायल युवक की बचाई जान, आधी रात अस्पताल पहुंचकर कराया इलाज। मुंगेर के ऋषिकुंड में 2 युवक की हत्या से सनसनी, गांव वालों ने कहा नक्सलियों ने मारा, पुलिस कर रही है इनकार। आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज, प्रोड्यूसर ने लगाया धमकी और मारपीट का आरोप। मुंबई उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक को भेजा कारण बताओ नोटिस, समीर वानखेड़े के पिता की अवमानना अर्जी से जुड़ा है मामला। कर्नाटक में बढ़ा हिजाब का विवाद, पुलिस ने स्कूल कॉलेजों पर लगाया पहरा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।